आपन अभिवादन दशरथ जी की लड़ी को बतावत रहे आपन को दशरथ जी की लड़ी को गुजम जू जी को लसमा नहीं चाहिए आपको। मैं जी लगा ही नहीं सका। ले 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 अपना नाम है ले 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 चाइना आने वाला केवट हो तो उसे आवाज लग रहा है। ठीक है भैया। और ये हम सही कह रहे
इन पावन की वजह से तीन बेर रड़ुआ हो गए, अब तुम जा क्यों कैसे हो गए भज्जा। एक बेर दत्ता बाई ने हमारा ब्याह करा दो, तो घरवाई बोली चलो आसाराम की दीक्षा लेने। हंस काहे रहे आसाराम महाराज की आश्रम पे पहुंची, चेला नाथियन ने बुलाओ, बोले सबसे पहले घरवाई को दीक्षा मिले हमने कही हाउ। घरवाई को लुआ गए, अब दीक्षा दही हुई, चाहे कान में मंत्र फूको हुए बच्चा बात की होके नहीं सुई, एक बेर रड़ुआ हो गया लौट के नहीं आई। अब दद्दा बाई ने जैसे तैसे दूसरा लाग लगा दई। अच्छा दूसरा भी बनाए हुए तुम्हारा? हम कह नहीं रहे कि तीन बेर रड़ुआ हुआ। अच्छा तीन बार हुए इन बाबा की वजह। दूसरी बार? दूसरी बेर बाप ने ब्याह करा दो भज्जा, जैसे तैसे मार कूट के होगा। बाबोली हमें गुरु दीक्षा लेने, हमने की अब कौन संत देखे, हमने चलो सबसे अच्छे संत राम रहीम है, हम राम रहीम के ते पहुंचे, हमने दीक्षा दे दो भज्जा। बारामई रहीम की होके रही, दो बेर लड़का हो गए, अब तीसरा में जैसे तैसे अपू ब्याह ना कर बैठे, दो लोग चाट लगी अपू ब्याह कोई कलाने आतज्जा ना हो गए। सुतद्दा ने डिंडू में प्राइवेट में बुला लाए भाई ने अच्छी लाली ठांसी कचरा ठांसो भूतज्जा। और जैसे समी को देखो सो भाई ने जो है समी से बातचीत करके तीसरा लाग लगा के और ब्याह हमाओ होगा। आप दे बोली हमें दीक्षा लेने, हमने की अब सबसे अच्छे संत रामपाल है भज्जा। अब हमने सुबह उतर की हो गए रही, अब जो है तुम कौन से संत आए, अब आप काय को आए, अब पर हम लोग घर वाली है तुम काय को आए भैया। हमें गंगा के उस पार जाना है, अब तो हमने बाबा रामदेव की दीक्षा ले रही सो पतंजलि बिस्कुट सूट रहे, अच्छा खासा बिस्कुट सूट रहे, अब हमें बाबा से कौन खतरा। बाबाओं से इसीलिए तुम ईर्ष्या है। हाँ हम फिर बाबाओं से नहीं है भैया। अच्छा उनमें से नन्या? उनमें से नहीं है। वैसे लग तो तुम बाबा ही थे, सकल से तो तुम बाबा नहीं लग रहे, लेकिन तुम्हारी वेशभूषा जा कह रही कि हम बाबा हैं। है? कुछ समय के लिए बनकर के आए हैं। अच्छा बन के आए कुछ समय के लिए, अब मारे गए बने बनाए बाबा तो और खराब हो। अच्छा हम संध्या कह रहे कछु बाबा पेट की हो, ये तो पेट ही से बाबा हो, कछु चपेट की हो, कछु लपेट की हो, कछु ठेठ की हो, और ये बनी बाबा तो सबसे ज्यादा हत्यारी हो, इनको तो कोनो बोल नहीं जा कभी का कभी। हम उन बाबाओं से नहीं है। अच्छा केवल हमें गंगा के उस पार जाना है। क्या तुम नौका चलाते हो? क्या देख रहे हो? हम जो देख रहे हैं ऊपर जाना। हाँ उस पार जाना। कोनो तक्के तो ही नहीं जा। क्यों? तरह कितने से दूर जाओ इतना इतना है रोज का रास्ता है, तुम्हारा रोज का रास्ता है। अच्छा गंगा के उस पार जाना हमारा अंजान है, जहाँ गहराई है हम ना उतना अकेले नहीं है, और हम तीन प्राणी है, हमारे गए तीन जने हो। हाँ तीन प्राणी है, दो जने कहा है? थोड़ी दूर पर बैठे हुए हैं। अच्छा दो जने हैं तो कछुओं नहीं, हमारी माता जानकी है। ले तो हमका नाव चलाओ थे का? फिर क्या चलाते हो? हम तो डोंगिया चलाओ भैया, मैं उसी से उस पार कर दो। डोंगिया पे एक ही आदमी बैठ सके? एक एक से कर दो पार, एक एक से तो हो जाए, केवल एक ही व्यक्ति जाता है। एक ही भाई ये सो है डोंगिया तनक सी हो जाए, और हम बैठ गए और दो तुम बैठ गए, बीस धार में गड्ड हो गई, तो नौका कौन चलाता है? नौका हमारे दद्दा चलाओ। तो फिर दद्दा को बुला कर लाओ।
ठेका लाए तुम मुझे गंगा के उस पार जाना है। देखो नदियां चढ़ रही बादल मड़ो है तो जब नदिया चढ़ी बेशुमार है देना। क्यों क्या होगा हम अपने बाप के कान में दें
क्या तमाचा? अरे तमाचा नहीं देना, औषधि देनी है। अच्छा, हम तुम्हारे कान में औषधि देंगे। अच्छा औषधि? हाँ, तुम दस बार कान में दे देना। कौन सी? देखो राम नाम की औषधि जो हितचित से पी जाए, एक रोग की बात क्या कोटन रोग निशान। केवल हम तुम्हारे कान में कहेंगे राम कौ राम राम, तुम जाकर के ददुआ के कान में के देना तो बड़ा आराम मिलेगा। एक बार फिर कहो तुम राम है राम मिला राम मिलेगा। ठीक है जाओ जा। जाने कितने मर रहा हो जे, कौन घाट पे हो जे, हमारे ना टोड़ी घाट पे हो जे। हो 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 राम सनेही सोनी जी,
आपके कर कमलों से 201 मुद्राओं का सहयोग, मंच की ओर से आपका हार्दिक अभिवादन। दशरथ जी की लड़ी को बतावत रहे।